नमस्कार दोस्तों वेलकम टू आरम्भ एजुकेशन इंपावरिंग एस्पिरेंट्स देखिए आज के वीडियो में हम लोग जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है स्व सहायता समूह का वो वाला पार्ट हम लोग कवर करेंगे ठीक है तो इसके साथ साथ आपका स्व सहायता समूह वाला पूरा टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा तो ये थोड़ा छोटा वीडियो रहेगा ये नया टॉपिक आज स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ मैं ठीक है इसको मैं समझा रहा हूँ आपको ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना क्योंकि इस पर ग्रेडिंग सिस्टम से पार करके ही लोगों उन लोगों को लो क्या मिलता है जो सारी सुविधाएं होती है एन के तहत चक्री निधि परिक्रामी निधि ये प्राप्त होती है ठीक है तो इसको ध्यान रखना अच्छे से है ना तो इसके बाद आप लोगों का पूरा तरीके से स्वयं स्व सहायता समूह वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा ठीक तो हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो इसके बाद जो है वो आगे का पोर्शन जो है नया जो है कृषि का मशीनीकरण वाला टॉपिक चालू करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा पूरा स्व सहायता समूह हम लोगों ने जो 11 क्लास में कवर किया है वो पूरी तरीके से समझ में आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं देखो ये ग्रेड ए यानी ए भी बोल सकते हैं वन ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेडिंग सिस्टम देखो ग्रेडिंग सिस्टम से क्यों गुजरना पड़ता है क्योंकि स्व समूहों को यह दिखाना कि स्व समूह किस लेवल पे हैं कितने परिपक्व हुए हैं कितने मेच्योर हुए हैं यह सब के लिए देखिए सब चीज़ के लिए तो ग्रेडिंग होता है स्कूल में ग्रेडिंग क्यों होता था उससे ग्रेडिंग से यह पता चलता था रैंक वन रैंक टू आते हैं ना तो उससे यह पता चलता है कि ये बच्चा कितना इसका जो ए, एजुकेशन का लेवल है इसके सोचने की क्षमता है है ना इसका परफॉर्मेंस कितना अच्छा है किसका परफॉर्मेंस कितना खराब है ये परफॉर्मेंस कोई चेक करने के लिए स्वसाता समूह का ग्रेडिंग किया जाता है तो जैसे कि कोई स्वसाता समूह सी ग्रेड है मतलब वो ज़्यादा दिन नहीं हुआ है उसे क्या क्या पता चल जाएगा एक तो ज़्यादा दिन उसको नहीं हुआ है उसकी बैठक अनियमित है वो सब पंचसूत्र का ठीक से तरीके से पालन नहीं कर रहा इस तरीके की चीज़ें उसके बाद प्रमोट होकर थोड़ा ज़्यादा दिन हो गया तो ग्रेड बी में जाएगा उसके बाद जब सब पूरा परिपक्व है पूरी तरीके से सब चीज़ों का पालन कर रहा है पंचसूत्र का पालन कर रहा है नियमित बैठक हो रहा है ऋण का लेन प्रॉपर संगठित है तो फिर वो ग्रेड एक में चला जाएगा और इसी के बाद क्या होगा उसको सारी सुविधाएं एनआरएलएम के तहत जितनी भी बैंक से ऋण है चरित्री निधि है परिक्रामी निधि है और सा, सामुदायिक निवेश फंड से जो पैसा है वो सब चीजें जो होती है वो इसी तरीके से फिर देखी जाती है कोई भी आता है तो सबसे पहले ग्रेडिंग चेक करता है कि कौन से ग्रेड में है समूह तो समझ जाता है कि फिर क्या क्या हो रहा है कैसा कैसा हो रहा है ठीक है तो इसकी भूमिका इसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है जिला विकास जिला ग्रामीण विकास अभिकरण डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी ये जो है वो समूह का ग्रेडिंग करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होती है किसकी होती है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अब ये कहा जाता है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को इंडिपेंडेंट बॉडी से इसका ग्रेडिंग करवाना चाहिए खुद नहीं करना चाहिए क्योंकि इंडिपेंडेंट बॉडी रहेगा वो एकदम पारदर्शिता के साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ ग्रेडिंग करेगा अब ये जो ग्रामीण विकास अभिकरण है वो खुद कोई छवि सुधारने के लिए क्या करता है कि कोई कोई ग्रेडिंग में अनियमितता भी बरत देता है मतलब कि अच्छे से ग्रेडिंग नहीं करता है तो बोलना चाहिए कि कोई भी देखिए कोई भी चीज़ को चेक कराना रहता है तो क्या होता है इंडिपेंडेंट बॉडी से चेक कराया जाता है देखेंगे होंगे आप कोई भी घटना घट जाती है जैसे कि आ, कोई भी कॉन्स्परेंसी हो जाती है कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन कोई भी घटना घटती है तो उसको कहा जाता है सीबीआई से जांच करवाओ या फिर कोई इंडिपेंडेंट बॉडी से जो सरकार का इन्फ्लुएंस ना हो जिसमें सरकार का या फिर किसी पब्लिक का जिसमें पार्टिसिपेशन ना हो उससे उसका जांच करवाया जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके तो इसी के कारण ऐसा माना जाता है कि सबसे अच्छा तरीका होता है किसी इंडिपेंडेंट बॉडी से जांच कराना तो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जो है वो किसी इंडिपेंडेंट बॉडी से खुद जो है वो जांच करती है ठीक है अब देखो ग्रेडिंग सिस्टम में बताता हूँ आपको पहला समूह की आयु तो ग्रेड ए में क्या समूह की आयु होती है तो ग्रेड ए में शामिल होता है ग्रेड बी में समूह की आयु क्या होती है तो होता है ग्रेड सी में क्या शामिल होता है तो अगर समूह की आयु एक वर्ष से ज्यादा हो चुकी है बने समूह का गठन हुए एक साल से ज्यादा हो चुका है तो वो ग्रेड ए के अंतर्गत आएगा छह माह से एक वर्ष समूह छह माह से एक वर्ष के बीच है सात माह हुआ है आठ माह हुआ है नौ माह हुआ है तो वह ग्रेड बी के अंतर्गत आएगा अर्थात ग्रेड टू के अंतर्गत आएगा अगर समूह को बने हुए छह साल छह माह से कम हुआ है छह महीने से कम समय हुआ है अभी समूह को बने दो तीन चार पांच महीना हुआ है तो वो ग्रेड सी के अंतर्गत आएगा दूसरा सदस्य संख्या अगर सदस्य संख्या ग्रेड ए में दस से बीस होना चाहिए ग्रेड बी और ग्रेड सी को कैटेगराइज नहीं किया गया है ठीक है वो दिया नहीं हुआ है दस से बीस सदस्य संख्या होना चाहिए तो ग्रेड ए है अभी से कम होगा ग्रेड बी और ग्रेड सी में तीसरा नियमित बैठक तो नियमित बैठक माह में एक बार होना चाहिए तब वो ग्रेड ए में शामिल होगा अगर किसी समूह में अनियमित है कहीं कभी भी एक बैठक हो जाता है तो वो ग्रेड टू के अंतर्गत आएगा और वैसे ही ग्रेड 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 सी सी के अंतर्गत आएगा अनियमित बैठक होता है तो या चौथा उपस्थिति यहां पर 80 परसेंट से अधिक उपस्थिति अगर एक साल या अधिक समय से हो रहा है स्वहायता समूह में देखी जा रही है दर्ज की जा रही है अस्सी से ज्यादा उपस्थिति तो वह स्व समूह ग्रेड ए के अंतर्गत शामिल होगा ठीक है अस्सी परसेंट से ज्यादा सिक्सटी परसेंट टू एट्टी परसेंट अगर अटेंडेंस है सब समूह का छह माह से एक साल तक तो फिर वो ग्रेड बी में वैसी छठ साठ परसेंट से कम है तो ग्रेड सी में नियमित बचत जो बचत कर रहे हैं अस्सी परसेंट से अधिक नियमित बचत कर रहे हैं लगातार एक साल से या अधिक समय से तो वो ग्रेड ए में शामिल होगा वो स्व सहायता समूह ग्रेड बी में साठ परसेंट से अस्सी परसेंट ग्रेड सी में साठ परसेंट से कम बचत कर रहे हैं वो लोग आपसी लेन देन ऋण वगैरह लेन देन करना है तो फिर 60 परसेंट से अधिक राशि का उपयोग जो स्वता समूह के पास मान लो जाए पंद्रह हजार रुपए है इसमें 60 परसेंट अब आप काउंट कर लो कितना होगा 60 परसेंट नब्बे नौ हजार रुपए तो नौ हजार रुपए अगर कहीं ठीक है नौ हजार रुपए मतलब कि साठ परसेंट से ज्यादा नौ हजार या नौ हजार से ज्यादा राशि का उपयोग वो ऋण देने में लेने में लेने कर रहा है आन, लेन देन में कर रहा है आपसी लेन देन में तो वो ए के अंतर्गत आएगा बी के अंतर्गत चालीस परसेंट से साठ परसेंट निकाल लेना लगभग अप्रोक्स है ना मतलब इसका बचत अगर इतना है तो उसका मतलब कैलकुलेट करके बता रहा हूं आप लोग को एग्जाम्पल समूह की राशि से ऋण प्राप्त ऋण वापसी सातवा देखते हैं ऋण वापसी 80 परसेंट से अधिक किसी समूह में ऋण वापसी हो रहा है जितना दिया है उससे 80 परसेंट से ज्यादा ऋण वापसी हो रहा है नियमित रूप से तो फिर वो ग्रेड ए के अंतर्गत साठ परसेंट से अस्सी परसेंट ऋण वापसी वो क्या है ग्रेड बी के अंतर्गत और साठ परसेंट से ग्रम आ, कम ग्रेड वापसी हो रहा है तो ग्रेड सी के अंतर्गत आएगा समूह की राशि से ऋण प्राप्त सदस्य है, है ना मतलब समूह पे जो राशि है मान लो जाए पंद्रह हजार रुपए है तो उससे ऋण कितने सदस्य ने पचास परसेंट से ज्यादा सदस्य ने इस ऋण का लाभ उठाया है है ना मतलब ऋण लिया है ऋण लिया है उस सदस्य उस पैसे से तब फिर वो ग्रेड ए के अंतर्गत तीस परसेंट से पचास परसेंट सदस्यों ने लिया है तो ग्रेड बी और तीस परसेंट से कम सदस्यों ने लिया है तो वो ग्रेड सी के अंतर्गत आएगा उसी तरीके से बैंक खाता बैंक खाता खोला गया है ठीक है अगर किसी समूह का बैंक खाता खोला गया है और उसका संचालन जो है वो सदस्यों के द्वारा किसी एक सदस्य के द्वारा किया जा रहा है मतलब बैंक खाता किसके नाम पे रहता है मैंने आपको बताया था कि दस सदस्य हैं अगर तो एक में से किसी कोई एक सदस्य के नाम पे बैंक खाता रहेगा तो उसका संचालन उस सदस्य के द्वारा किया जा रहा है नियमित रूप से तब वो ग्रेड ए के अंतर्गत आएगा सस्व सहता समूह अगर खोला गया है और कोई गैर सदस्य उसका संचालन कर रहा है मतलब वो समूह का सदस्य नहीं है और उसको कोऑर्डिनेट कर रहा है उसको संचालन कर रहा है लेन देन का काम कर रहा है तो वो ग्रेड बी के अंतर्गत आएगा और उसी तरीके से खोला ही नहीं गया है तो ग्रेड सी के अंतर्गत शामिल कर देंगे मतलब जितना नियम कानून को पालन कर रहा है वो ग्रेड ए स्ट्रिक्टली पालन कर रहा है तो थोड़ा कम पालन कर रहा है तो ग्रेड बी थोड़ा उससे कम पालन कर पालन ही नहीं कर रहा है तो ग्रेड सी के अंतर्गत तो समूह के नियम लिखित होंगे ग्रेड ए के अंतर्गत जो शामिल हैं ग्रेड बी के अंतर्गत में अलिखित या औपचारिक नियम होंगे पालन करना है तो करो नहीं करना है तो मत करो ये वाला टाइप का और इसके होंगे ही नहीं तो ये इस टाइप का तो ये ग्रेड ए ग्रेड बी ग्रेड सी ध्यान रखना अगर कहीं पूछ दिया तो इसको भी मैं आपको बता दिया हूँ ठीक है भूमिका इसकी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की रहती है छः माह से मौजूद और आर्थिक रूप से सक्षम समूह मतलब ऐसा समूह जो छः माह तक एग्जिस्टिंग है सर्वाइव कर रहा है और आर्थिक रूप से सक्षम है वो तीसरे में प्रवेश कर जाएगा उसके बाद तीसरा से दूसरा में प्रवेश करेगा थोड़ा सा अच्छा परिपक्व हुआ तो उसके बाद फिर एक में प्रवेश करेगा और जब ये इसमें प्रवेश करेगा तब फिर क्या होगा चक्री निधि से लाभ मिलेगा उसको डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी अर्थात जिला ग्रामीण विकास अभिकरण या फिर बैंक उसको चक्री निधि और परिक्रामी निधि के माध्यम से पंद्रह हज़ार की राशि जो मैं आपको बताया था बता चुका हूँ पूरा निधि को जितना भी है वो वो राशि प्रोवाइड कराएगी एन के माध्यम से और उसके बाद फिर डी जो है सब्सिडी भी देती है डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट फंड जो छूट भी देती है पांच सौ रुपए से दस हजार रुपए तक जो ऋण होता है, मतलब में भी देती है 500 से 10 आप लोगों का स्व सहायता समूह वाला पूरा पार्ट जो है, है। इसमें से जितना भी क्वेश्चन होगा वो आप लोग बना के देख लेना या जो भी टेस्ट वगैरह भी दोगे आप लोग कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे वहां भी देखना इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है ग्यारह क्लास में इसमें लिया हूं पूरी तरीके से ताकि आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जाए और भी कुछ भी जरूरत ना पड़े करके फिर भी अगर आप लोग को लगता है कि कुछ और जरूरत पड़ना है अच्छा एक चीज और बता रहा हूं आप लोग को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बहुत सारी चीजें हैं जो मैं डॉक्यूमेंट निकलवाया हूं जिला पंचायत से उसमें क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में मतलब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसमें आंसर भी लिखा हुआ है कुछ कुछ चुजे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है अब मैं उसको यहां पर नहीं बता रहा हूं लेकिन आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में तो आप लोग देख लेना उसको ठीक है तो आप लोग वहां पर उसको आंसर फॉर्म में भी पढ़ लेना कुछ कुछ और डाउट होगा हो तो वो वह भी वहां पर क्लियर हो जाएगा आपका ठीक है तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरी सीरीज जो है वो छो सहायता समूह वाली आपको अच्छे से समझ में आई होगी अगर आप लोग को अच्छा लगा हो मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज़्यादा शेयर करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मशीनीकरण वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम